वार्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक मैथ्स अड्डा। आई एम विनय पांडे। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेचर फॉर्मूला मैंने आपको उसका डेरिवेशन करवा दिया है, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका पूरा प्रूफ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूले का डेरिवेशन करवा दिया है, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का डेरिवेशन आज करेंगे हम, और वो डेरिवेशन क्वाड्रेचर फॉर्मूला से कैसे उसने निकाला था उसको देखेंगे। तो इसने क्या किया, जैसे ट्रेपेजॉइडल ने एन की वैल्यू 1 रखी थी, इसने क्या किया, इसने एन की वैल्यू रख दी 2। तो एन की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो इंटरवल्स क्या क्या बनेंगे, एक एक्स नॉट, ये एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट प्लस 2h, ये तीन इंटरवल बनेंगे। तो इसका मतलब, ये तीन इंटरवल का मतलब ये है कि इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला में था, डेल क्यूब, डेल की पावर 4। आपको पता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी फंक्शन का, अगर आप उसके डिग्री के बराबर या उससे ज़्यादा, उसके डिग्री से ज़्यादा अगर आप उसको फॉरवर्ड डिफरेंस से ऑपरेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती थी। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ये पूरा फॉर्मूला था कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर अगर आप उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आता है, और उसके डिग्री से ज़्यादा उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकाले तो वो 0 आता है। तो इट मींस ये डेल क्यूब और इसके बाद के सारे टर्म्स ही क्या बन रहे होंगे, 0। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक्स नॉट, और एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2h, एन की वैल्यू 2 रखी हमने, एफ एक्स डी एक्स, एच ये हो जाएगा 2y0 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई नॉट प्लस 1/2 n³ का मतलब हो गया, अच्छा एक मिनट, n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रखी थी तो ये वाला टर्म भी क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर वाई नॉट, और आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये जाएगा h 2y0, ये हो गया 2 डेल y0 का फॉर्मूला क्या था, y1 - y0 पढ़ा हुआ आपने फॉरवर्ड डिफरेंस, 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 12, और डेल स्क्वायर वाई नॉट को मैं लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर वाई नॉट को हम लिख सकते हैं डेल इंटू डेल वाई नॉट, और ये क्या बन जाएगा, y1 - y0, एच 2y0 2y1 - 2y0 प्लस ये हो जाएगा 4, ये 12 है तो ये 3 टाइम्स इसमें कैंसिल हो जाएगा, डेल y1 माइनस डेल y0, एच 2y0, ये 2y0 कैंसिल हो गया इसका, तो ये आ जाएगा 2y1 प्लस 1/3 डेल y1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 - y1, इसमें फॉरवर्ड ऑपरेटर मैंने ऑपरेट कर दिया, और ये क्या बनेगा, y1 - y0, तो क्योंकि माइनस का साइन है तो y1 प्लस y0 हो जाएगा। इसका 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लेकर के बाहर लिख देते हैं, h/3 ये हो जाएगा 6y1 प्लस y2 - 2y1 प्लस y0, तो कितना आ जाएगा ये, h/3 y0 - 2y1 प्लस y1 वाला टर्म भी इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6y1 - 2y1 4y1 हो जाएगा प्लस y2। देखिए सारे टर्म्स को, जो हमने पहले n की वैल्यू 2 रखी है इस क्वाड्रेचर फॉर्मूला में, तो हमको इस लिमिट की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने वहाँ पे ट्रेपेजॉइडल में x0 से x0 प्लस h की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हमने x0 से x0 प्लस 2h की वैल्यू निकाली, वो आ रही है h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। अब ऐसे ही करके हम, जैसे हमने वहाँ सिमिलरली करके वैल्यूज निकाली थी, यहाँ भी सिमिलरली करके निकालेंगे, सिमिलरली अब x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h इसकी वैल्यू निकालेंगे, fx dx की h/3 तो आएगा ही आएगा। इसमें आप देखिए, जो सबसे पहली वैल्यू है
वाई नॉट आ रही है। वाई नॉट सबसे पहली वैल्यू जहाँ से वो इंटरवल स्टार्ट हो रहा था एक्स नॉट, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये टू से स्टार्ट हो रहा, तो पहला टर्म आएगा वाई टू। फिर इसका अगले टर्म के साथ क्या आ रहा है, फोर टाइम्स, यानी कि फोर टाइम्स वाई थ्री, और उसके बाद अगला टर्म क्या आ रहा है, वाई फोर। देखिए आप सिमिलरली करके सिमेट्री से आप अगले टर्म्स इसके निकालते रहेंगे। फिर ऐसे ही ये वैल्यू थी किसकी, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस टू एच एफ एक्स डी एक्स। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ एक्स नॉट प्लस फोर एच से एक्स नॉट प्लस सिक्स एच एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या आएगा, देखिए आप एच बाई थ्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर से, यानी कि वाई फोर प्लस फोर वाई फाइव प्लस वाई सिक्स। ध्यान से समझिए आप कि सिमेट्री से मैं इनको कैसे किस तरीके से टर्म्स निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट टर्म में, तो यहां तो x नॉट प्लस एन एच आएगा लास्ट इंटरवल जो है, और उससे पहले यहां क्या आएगा, x नॉट प्लस एन माइनस टू, क्योंकि इवन टर्म्स चल रहे हैं यहां पर, एफ एक्स डी एक्स। एच बाई थ्री यहां क्या आएगा, y एन माइनस टू प्लस फोर टाइम्स y, इसमें एक टर्म ऐड करेंगे तो n माइनस वन प्लस, और ये हो जाएगा वाई एन। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया था, इन सबको ऐड कर दिया था, और ऐड करके देखिए आप क्या आता है। ऑन एडिंग लेफ्ट साइड में देखिए आप x नॉट प्लस टू एच तक ये जा रहा है, फिर x नॉट प्लस टू एच से फोर एच तक जा रहा है, तो ये x नॉट हो गया, ये जो a था, और एक्स एन क्या था, b था, फिर x नॉट प्लस टू एच एक्स नॉट प्लस फोर एच, ये सब लिमिट्स क्या हो रही है, इंटीग्रेशन में ऐड हो रही है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इनको छोटे छोटे सब इंटरवल्स की लिमिट निकालो, या डायरेक्टली पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, तो सेम आएगा। तो लेफ्ट वाले जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ए से बी तक, जो हमको ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एन एच, लिमिट निकालनी भी थी। लेफ्ट साइड में तो हमारा फॉर्मूला बन गया एफ एक्स डी एक्स, राइट साइड में क्या करना होगा, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या हमको मिलेगा। h बाई थ्री तो सब में आ ही रहा है, आप देखिए y नॉट, फिर अगले वाले में y नॉट नहीं आया, यहाँ भी y नॉट नहीं आया, तो y नॉट सिर्फ एक बार आ रहा है, और इसी तरीके से yn भी जो है वो भी सिर्फ एक बार आएगा। तो इनको सबसे पहले मैंने लिख दिया y नॉट प्लस yn, इनके साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा था, और ये टर्म रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसके बाद 4y1, और ये 4y1 पहले वाले में आ रहा है, फिर दूसरे वाले में आप देखिए 4y1 नहीं आ रहा है, y1 नहीं आ रहा है इसके बाद, फिर 4y3 अगले वाले में y3 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये जितने टर्म्स हैं इन सबके मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है, 4। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5। तो इसका मतलब इसका लास्ट टर्म इसमें क्या चल रहा है, और चल रहा है, तो ये आ रहा होगा वाई एन माइनस थ्री, उससे तीन कम आएगा ना, ऑड में कम करेंगे तो वाई एन माइनस, सॉरी एन माइनस थ्री नहीं, क्योंकि वन थ्री फाइव वाई एन माइनस वन आएगा। ये जो फोर टाइम्स से चल रहा है ना, आप इसको देखिए फोर टाइम्स वाले हमने लिख दिए। अब आते हैं लास्ट वाले में, वाई टू फिर यहाँ वाई टू आया, वाई फोर फिर यहाँ वाई फोर आ रहा है, यानी कि एक ये जो इवन वाले टर्म्स हैं ये दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हो गया, टू टाइम्स वाई टू वाई फोर वाई सिक्स, और लास्ट टर्म क्या आएगा इसका, लास्ट टर्म आप देखिए y n माइनस टू। तो ये आपका ट्रेपिजोइडल का फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन, सॉरी सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, विच इज सिम्पसन्स वन बाय थ्री रूल। आप देखिए जितने हम फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं उनका सबका बेसिक जो है, जहाँ से वो फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, वो क्वाड्रेचर फॉर्मूला ही है, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला ही है। तो इसमें सिम्पसन ने क्या किया, एन की वैल्यू टू रखी, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकाली और सबको ऐड कर दिया। याद करने का तरीका, वहाँ ट्रेपेजॉइडल में क्या था, पहले के दो टर्म्स जो थे वो पहले एक साथ आ रहे थे, उनका हाफ जो था, और बाकी सारे टर्म्स एडिशन में आ रहे थे। पहले दो टर्म्स का सम का हाफ आ रहा था, बाकी जितने टर्म्स थे बाद में आ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, h बाई थ्री आ रहा है सबसे पहले, h उसका क्लास साइज होगा, पहला और लास्ट टर्म जो है फंक्शन का सबसे पहले आ रहा है। फिर ऑड वाली जो सीरीज है, इसको याद करने का ट्रिक ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, ऑड वाले जो टर्म्स हैं फंक्शन के वो फोर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, और जो इवन वाले टर्म्स हैं वो
टू के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। जैसे आपके पास सपोज वाई की इतनी वैल्यूज हैं, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव। सपोज आपके पास वाई की इतनी वैल्यूज है, तो फॉर्मूले में क्या क्या आएगा, एच बाई थ्री पहली और लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर जो ऑड वाली है वाई वन और वाई थ्री, सिर्फ ये। अब वाई फाइव यहाँ दोबारा नहीं आएगा, वाई फाइव यहाँ लास्ट वैल्यू ले चुके हो आप, तो y1 और y3 के सम का 4 टाइम्स आएगा यहाँ पे, और अगली जो वैल्यू आएगी y2 और y4 ये 2 टाइम्स के साथ आएगी। तो पहली और लास्ट वैल्यू क्योंकि आप पहले ले चुके हो तो वो बाद में यहाँ नहीं आएगी। तो इस फॉर्मूले को आप तैयार करें, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।